विराहीपुर करजा के पास पिकअप एवं बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक की हुई मौत। बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत आरा बढ़हरा सड़क मार्ग पर विराहीपुर करजा के पास बाइक एवं पिकअप की भिड़ंत में बाइक चालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि करजा निवासी शिवजी राय का पुत्र संतोष राय एवं छोटू राय अपनी बाइक से लोहर फरना मोड़ पर चौमिन की दुकान लगाने जा रहा था कि आरा की तरफ से तेज गति में आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन बाइक से सीधे जा टकराई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई तथा दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। घटनास्थल से पिकअप सवार पिकअप लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस बल पहुंचकर दोनों को लेकर सदर अस्पताल आरा आए, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। अभी किसकी मृत्यु हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना को लेकर मृतकों के घर में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिवजी राय का 3 लड़का है, जिसमें मंझला और छोटा पढ़ाई करने के बाद चौमिन का दुकान चलाया करता था, जिससे उनकी जीविका चलती थी। घटनास्थल पर पहुंची बढ़हरा पुलिस पिकअप वैन की शिनाख्त करने में जुटी है। हाँ, कौन गाड़ी मतलब पिकअप? पिकअप वाला? हाँ, कहाँ पे? वो जो कीपर लगे लोहर गुराहेपुर पुल के, तो अखिल कीपर से लगे। अच्छा। हाँ, पिकअप वाला मर गया। हाँ, तो ही में दोनों आदमी। हाँ, मटर चेमी का पैसा मांगने गए किसान से की मारपीट, छीना गले से सोने का चेन। बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत सिन्हा ओपी क्षेत्र के संजोल गांव में छेमी का पैसा मांगने गए किसान से दबंगों ने मारपीट कर उसके गले से 1.5 भर का सोने का बना चेन भी छीन लिया। बताया जाता है कि मरहा निवासी स्वर्गीय राजकेश्वर सिंह का पुत्र मनोज सिंह मटर के छेमी का पैसा मांगने संजोल गांव निवासी स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र हरेकृष्ण सिंह डीलर के पास गए। मनोज सिंह ने बताया कि हरेकृष्ण सिंह और उनके लड़का छेमी खरीदने का कारोबार करते हैं। मेरे खेत का भी छेमी खरीदे थे, इसमें 80,000 रुपये बकाए थे। जब मनोज सिंह से मांगने गया तो हरेकृष्ण सिंह एवं रंजन सिंह उर्फ माधव सिंह मनोज सिंह के साथ मारपीट किए, साथ ही गले से 1.5 भर का सोने का चेन भी छीन लिया। साथ ही मेरे गुप्तांग पर मार दिए, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। इस घटना को लेकर पीड़ित ने सिन्हा ओपी में लिखित आवेदन दिया है। सिन्हा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले की जाँच कर आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ बताइए, आपके साथ मारपीट की घटना हुई है, कौन लोग मारपीट किए हैं, क्या था मामला? छेमी के पैसा बाकी रहे 80,000 रुपए। अच्छा। अरे किसान डीलर फिर पैसा मांगे गई आदमी, तो गाड़ी को रोज करे लगले, 80,000 रुपया पैसा बाकी रहे। वही पर रंजन सिंह नाम हटे उर्फ माधो सिंह, वही ले मारपीट कर दिले, हाइड्रो सील पर मार दिले, आ गला में चेन रहे दागो बटे लेके भाग गए। 1.5 भर के सिकड़ी है। कहाँ के हैं वो? सब संजोल के हैं। संजोल के हैं? हाँ। पहले से भी कारोबार करते हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत आदमी के पैसा फंसाया, हमारा भी 80,000 रुपए फंसा के बैठ गए। थाने में आवेदन दिए हैं आप? हाँ दिए हैं। उत्पाद विभाग ने 52 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत गंगा पार्क खवासपुर क्षेत्र के सोहरा मौजा कारगिल दियारा से 52 लीटर विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, वहीं एक बाइक भी जब्त हुई है। गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया तहसील के डोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर दलन छपरा गांव निवासी परमात्मा सिंह का पुत्र विनय कुमार सिंह और सुरेश सिंह का पुत्र रोहित कुमार सिंह शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम गंगा पार कर तस्कर के आने वाले रास्ते पर बढ़ने लगी। थोड़ी देर में एक बाइक पर 2 सवार आते दिखे। जैसे ही टीम नजदीक पहुंची, दोनों बाइक सवार बाइक छोड़कर भागने लगे। पहले से तैयार उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा की तरफ भागते हुए तस्कर को धर दबोचा। जब कार्टन की तलाशी ली गई तो उसमें रखे 750 ml के 12 बोतल और 180 ml के 240 पीस टेट्रापैक शराब बरामद हुई। छापेमारी में ASI उत्पाद विनोद कुमार मिश्रा, अरुण कुमार राय, विक्की कुमार व सूर्य देव कुमार समेत अन्य बल मौजूद थे। इधर ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि यूपी की तरफ से भारी मात्रा में तस्कर शराब लेकर आरा की ओर जाते हैं, खवासपुर ओपी मुख दर्शक बनी रहती है। भोजपुर न्यूज के लिए बढ़हरा से विजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।